टीवी सीरियल अनुपमा में चल रहे पाखी और अधिक के लव ट्रैक ने पूरे शाह परिवार को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि पाखी अब किसी के कंट्रोल में नहीं है। वो अधिक के लिए अपने परिवार के खिलाफ हो गई है और अपनी मां अनुपमा की परवरिश पर सवाल उठाते हुए पाखी ने सबके सामने उनकी इतनी इंसल्ट की है कि अब अनु पूरी तरह से टूट चुकी है। फिर भी अनुपमा ने अपनी बेटी का पूरा नहीं चाहा है और अभी तक उसे समझाने की कोशिश ही कर रही है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अपनी बेटी को अपने सीने से लगाकर रखने वाली अनु ने खुद उसे धक्के मारकर निकाला है, जिसका मुंह तोड़ जवाब वनराज ने भी दिया है। पर अब ऐसा क्या हुआ कि अनुपमा खुद की बेटी के साथ इतना रूड हो गई है? चलिए आपको इसके पीछे का रीजन बताते हैं, पर उससे पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करें। जैसा कि हम शो में देख रहे हैं कि ना समझ पाखी आज अपनी उस माँ के खिलाफ हो गई है जिसने इन्हें अपनी कोख में जन्म दिया है, और सिर्फ अपने परिवार के लिए अपनी माँ को भला बुरा कहते हुए पाखी ने अपनी सारी हदें पार कर दी है। मगर अनु तो अपनी बेटी से बहुत प्यार करती है, इसलिए अभी तक वो चुप ही रही है। और बेटी के मुंह से इतना कुछ सुनने के बाद भी अनु ने कुछ नहीं कहा। लेकिन अब शो की आगे की कहानी में अनु अपनी बेटी को सबक सिखाने के लिए उसे अपने घर से धक्के मारकर निकालने वाली है। वो अभी सिर्फ इसलिए ताकि पाखी कपाड़ी हाउस का हिस्सा ना बन सके, क्योंकि अधिक बरखा और अंकुश उसके लिए ठीक नहीं है। पर यह बात पाखी समझने की कोशिश नहीं कर रही है, इसलिए अनुपमा अपनी बेटी की नजरों में गिरती हुई उसे ये दिखाने की कोशिश करने वाली है कि अब इनके दिल में पाखी के लिए प्यार नहीं रहा है। पर आपको बता दें, बेटी पाखी की साइड लेकर आए वनराज अनु को हर बात पर मुंह तोड़ जवाब देने वाले हैं। जी हाँ, जैसा जैसा अनुपमा पाखी के साथ रूड करेगी, वैसे वैसे वनराज अनुपमा के रास्ते में आएंगे और अनुपमा के हर सवाल का मुंह तोड़ जवाब देंगे, जिससे पाखी को और बढ़ावा मिल जाएगा। वेल दोस्तों, क्या अनुपमा को अपनी बेटी पाखी को माफ कर देना चाहिए? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।